साउंड। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से पढ़ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी यही है। तो हेडिंग क्या रहेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस क्या बताएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये शो करेगा कि किस पे डिफाइन हो रहा है, और दूसरा क्या है स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तभी तो इसका नाम है स्पेसिफिक एंथैल्पी होने की वजह से। तो इट शो द ट्रांसफर ऑफ हीट, व्हेन वन मोल ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल लिख लीजिए, मॉलिक्यूल में सब आ जाते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फॉर्म या जनरेट टेट बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये हमारे पास है। ज्यादा अच्छे समझने के लिए हम इसको समझते हैं। प्रोडक्ट पे डिफाइन हो रहा है, मैंने मान लिया, यहां नाम भी लिखना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन की बात कर रहे हैं, ये CH4, तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच रिएक्शन है। यहां पर रिएक्शन को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन कब बोलेंगे? CH4 की, जब यहां पर एक मोल बने CH4, एक मोल दिख रहा है। दूसरा, ये अपने एलिमेंट से बने, कार्बन और हाइड्रोजन, और एलिमेंट बैलेंस हो, और ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, यानी कार्बन की कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट है? ग्रेफाइट। हमें कैसे पता चलेगा? तो जिसमें वो ज्यादा रहता है वो डायमंड में ज्यादा रहेगा या ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में। अगर बराबर रहता होता तो साइंटिस्ट पहले स्पेसिफिक कर देंगे, मैं अलग से लिख दूंगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। तो ये गैस होना चाहिए और ये ग्रेफाइट होना चाहिए, ठीक है, और बैलेंस होना चाहिए। तो डेल्टा एच रिएक्शन को डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 बोल सकते हो। यहां क्या खास बात होनी चाहिए? वन मोल होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट कितने ही हो, प्रोडक्ट एक ही होगा इसमें। तो ये वर्ड भी लिखने लायक है, रिएक्टेंट मे बी मोर देन वन बट प्रोडक्ट जो आपको दिखेगा, प्रोडक्ट शुड बी वन। ये इसकी खास बात हो गई। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आपको एक ही दिखाई देगा और वो CH4 या कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या क्या चीजें नहीं चेक करी है? एक, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये इनके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, वन को लिखने की जरूरत नहीं है, शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, यहां पर प्रोडक्ट शुड बी वन मोल, ये वन मोल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप
के पास होगी, तभी आप डेल्टा एच रिएक्शन को डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन तो तब भी बोल दोगे, लेकिन डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं बोल पाओगे तब। इज दैट क्लियर? तो चलिए कुछ खास पॉइंट्स हमारे पास, एक और हम बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। अब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनाना है, तो H2O1 एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए और उसका 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, अब कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, क्या इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, नहीं, H2O2। अब स्टैंडर्ड स्टेट है गैस गैस, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है हाइड्रोजन की, H2 गैस। पक्का? तो ये हो गया, क्या ये बैलेंस है, नहीं। अब जाके ये बैलेंस है, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच रिएक्शन को आप बोल सकते हो डेल्टा एच फॉर्मेशन H2O। तो क्या आप एक और लेना चाहोगे, एंथैल्पी ऑफ ओजोन, ओजोन के लिए, ओजोन को कैसे बनाओगे, ओजोन ही बनाओगे, ये गैस हो गया, यहां 1 मोल होना चाहिए, बिल्कुल पक्का। किससे बनाओगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, H2 और फिर ये गैस, क्या ये बैलेंस है, नहीं। क्या लिखोगे आप इसको, 3/2, 3/2 लिखना जरूरी है अब आपके लिए। तो यहां पर 1 मोल है, बैलेंस है, स्टैंडर्ड स्टेट है, ये सब चीजें देखने के बाद अब डेल्टा एच रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बताइए एंथैल्पी ऑफ डायमंड बताइए, तो कैसे बनाओगे, कार्बन डायमंड, किसे बनाओगे, कार्बन ग्रेफाइट, दोनों का 1 1 मोल होना चाहिए, ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट है, डायमंड नहीं है। तो यहां जो भी डेल्टा एच होगा रिएक्शन, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तो अगला पॉइंट ये रहेगा मेरा, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है या सॉरी कोई मॉलिक्यूल है ऐसा जो स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, तो आपको उसको बनाने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसकी क्या हो जाएगी, 0। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, अगर आपने O2 के लिए ले लिया, तो O2 और यहां पर भी गैस है, तो एन ये गैस हो गया, और बनाओगे क्या, इस गैस ही से बनेगा, दोनों जगह 1 1, तो यहां डेल्टा एच रिएक्शन कितना होगा, इसको क्या डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2 बोल सकते हो, हाँ, सॉरी O2 बोल सकते हो, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट, स्टेट एलिमेंट इज 0। तो इस पे एक ही बार क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन है इस तरह का है, एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 0 वैल्यू ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 0 वैल्यू ऑफ
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग फॉलोइंग सब्सटेंस बोल सकते हो हैविंग जीरो वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉलोइंग सब्सटेंस। फर्स्ट आपको यस और नो टिक करना है, राइट और रॉन्ग। H2O लिक्विड, सेकेंड H2O वेपर, थर्ड H2O आइस, फोर्थ ओजोन गैस, फिफ्थ O2 लिक्विड, सिक्स O2 गैस, सेवेंथ कार्बन ग्रेफाइट, एट कार्बन डायमंड, नाइन H2 गैस, टेंथ H गैस, इलेवेंथ हम बहुत सारे ले सकते हैं। नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, तो बताइए यस और नो, क्या इसके लिए जीरो होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए तो वैसे ही नहीं, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है वो सारे कंपाउंड है, तो कंपाउंड को तो काट दो, सिर्फ एलिमेंट के लिए डिफाइन करो। क्या ये एलिमेंट है? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट 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 सब एलिमेंट है। अब काटने की, ओजोन स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, O2 स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, इसके लिए जीरो होगी। ग्रेफाइट होगी, डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, H2 स्टैंडर्ड स्टेट है, H एटम नहीं है, N एटम नहीं है, N2 गैस है। तो आपने सबसे पहले किसको काट दिया? कंपाउंड देखते ही काट दो, एलिमेंट देखो फिर स्टैंडर्ड स्टेट देखो, बस। ये हमारे लिए होगी, स्टैंडर्ड स्टेट में आपके पास क्या क्या आएगा? एटोमिसिटी भी देखनी होती है और उसकी सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट भी देखनी होती है। तो ये रहा आपके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की पॉइंट। एक और की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या चेंज ऑफ एंथैल्पी, हम अगर यहां पर बात करें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड हमारा इंतजार कर रहा है, चेंज ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है ये 1 atm, लेकिन टेम्परेचर भी हमारे लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर ये चीज अलग अलग रहेगी। तो ये डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर, फॉर एनी टेम्परेचर है, तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन या कुछ भी नाम, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, कंडीशंस इसमें टेम्परेचर आ गया आपके पास 298 केल्विन और प्रेशर आपका फिक्स है 1 atm, फिर कांस्टेंट है मैं मान रहा हूं, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन को इस जगह क्या बोल देंगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आ गया। तो भी नहीं बोलेंगे, अगर मैंने बोला गया बिल्कुल, फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज ऑफ एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो ही एंड प्रेशर, दोनों को हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम ये बोलेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है, क्लियर है? तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा एच फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, बाकी तो बोल ही सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको लिखें। देखो हम फिर छोटी छोटी बातों पे वापस डिस्कस करते हैं कुछ और,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड, हमने ये तो पता लगा लिया इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन अब आगे आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम कैसे यूज कर पाएंगे उसकी एंथैल्पी, पहला फर्स्ट जो हमारे पास होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड, हमारे पास जो सबसे पहला आएगा, अगर किसी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो वो कंपाउंड अपने आप में अनस्टेबल है, यानी हम कमेंट कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे हायर द पॉजिटिव वैल्यू, हायर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन शो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल कंपाउंड, लेकिन अगर हम बात करें हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन तो शो मोर स्टेबल कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है और वो ज्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव में ज्यादा है तो लेस स्टेबल है, नेगेटिव में है और ज्यादा है तो वो मोर स्टेबल है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन बाय फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन, लिखिए पहले पूरा, बाय डेल्टा एच फॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शंस। डेल्टा एच रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच रिएक्शंस इज कैलकुलेट बाय समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशंस माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशंस। बस अंतर ये है, यहां पर प्रोडक्ट आएगा, यहां पर रिएक्टेंट आएगा, पी फॉर प्रोडक्ट आर फॉर रिएक्टेंट। एक और अप्रोच है जो इससे याद रह जाए, अगर आपकी एंथैल्पी प्रोडक्ट पे डिफाइन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट पे डिफाइन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। ये हर जगह काम आएगा आपके पास। इफ स्पेसिफिक एंथैल्पी डिफाइन ऑन प्रोडक्ट देन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, होगा ये लिख लेना होगा बस। एंड इफ स्पेसिफिक एंथैल्पी डिफाइन ऑन रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। देन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। ये छोटी सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये एंथैल्पी फॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट पे डिफाइन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि भाई ध्यान रह जाए कि आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं कर दो, अब वो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन। देखिए आप एक बार बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन किस पर डिफाइन है, रिएक्टेंट पे या प्रोडक्ट पे,
कंबशन, जो भी मॉलिक्यूल का कंबशन होगा वो रिएक्टेंट साइड होगा, रिएक्टेंट पे डिफाइन होगी. तो वहां पर कंबशन एंथैल्पी ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स होगा. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस पे डिफाइन है? रिएक्टेंट पे. तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा वहां. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस पे डिफाइन है? रिएक्टेंट पे डिफाइन है. तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा. तो एक छोटी सी बात की कहूं तो प्रोडक्ट पे एकमात्र ऐसी एंथैल्पी है जो डिफाइन हो रही है, तो वो यही है, बाकी सब रिएक्टेंट पे डिफाइन हो रही है. आराम से आएगा, क्यों नहीं आएगा? डेल्टा एच रिएक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी, तो ऐसा तो है नहीं कि पॉजिटिव आना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आज अगर मैं आपके पास हूं और मुझे अलग अलग एग्जाम्पल लिखने हैं, तो एग्जाम्पल कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथेन, मिथेन का कंबशन एंथैल्पी निकालना है, ठीक है ना? तो जब अपन मिथेन का कंबशन कर रहे हैं NH3+O2 किस में करेंगे? NO+H2O, अमोनिया का, मिथेन नहीं अमोनिया का. तो क्या बनेगा? H2O. हमने कंबशन एंथैल्पी नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन ही कंबशन है. जनरली हमारे पास क्या होता है? 4, 5, 4, 6. लेकिन अगर किसी का एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का कॉफिशियंट क्या होना चाहिए? 1. तो हमें इस ये नहीं निकाला, हमें ये निकालना है NH3+5/4O2 NO+3/2H2O, ये है. और बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाय गिवन वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो मैं किस किस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दूंगा आपको? अमोनिया का दूंगा, हाँ, O2 का नहीं दूंगा. क्यों? स्टैंडर्ड स्टेट पे 0 हो जाएगा. तो आपको ये दिया जाएगा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया दिया गया है, ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, -324 किलो जूल पर मोल, ठीक है. डेल्टा एच फॉर्मेशन एनओ +250 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O -280 किलो जूल पर मोल. ये तीन वैल्यू दी हुई है, क्या आप इन तीनों वैल्यू से ये निकाल सकते हैं? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस और नो? तो उसने दिया हुआ है, उसने O2 का नहीं दिया. जिस क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानता है कि आपको जानना जरूरी है, O2 के लिए 0 है. ये डेल्टा एच रिएक्शन आएगा और वो डेल्टा एच रिएक्शन कंबशन एंथैल्पी हो जाएगा, क्योंकि वो 1 है और ये डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है. निकाल सकते हैं, मतलब उसने बड़े प्यार से क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को आपको दो स्पेसिफिक एंथैल्पी के अकॉर्डिंग करना है. देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया, ठीक है. तो अब आपके लिए इस जगह डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एच कंबशन ऑफ अमोनिया हो गया. आपने अमोनिया के कंबशन की रिएक्शन बना ली खुद से, हाँ. कंबशन का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी एक एंथैल्पी ऑफ दी गई है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, और एक पूछी जा रही है. तो आपके लिए अब ये रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच रिएक्शन है वही आपके लिए डेल्टा एच कंबशन है अमोनिया की. और रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कंबशन जो आपको निकालना है या रिएक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन. अब आप क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे. इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है. तो प्रोडक्ट काउंट करो, प्रोडक्ट कौन कौन है इसमें? एनओ, एनओ है. एनओ का कितना दिया हुआ है आपको? 250. 250 मल्टीप्लाई बाय कुछ करना है नहीं, 1 से तो कर ही दो फिर भी, +3/2. H2O का कितना दे रखा है? -280.
चलने दीजिए, ये तो हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अमोनिया का कितना है? माइनस 324 मल्टीप्लाई क्या करना है 1, और प्लस 5/4 इंटू 0। तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल। जितनी भी एंथैल्पी आती है स्पेसिफिक, उनकी एक ही यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। तो कुछ कुछ समझ में आया? तो एक एंथैल्पी देके दूसरी एंथैल्पी पूछना आसान नहीं है, टफ है, लेकिन हमें करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चैप्टर हमारा बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। करें इसको, लिखें इसको। देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को एक बार और। इस क्वेश्चन में है क्या, हमें दिया गया है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन हमें नहीं दी गई थी, ये हमने बनाई है, और इसके बाद ये क्वेश्चन यहां है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई कंबशन ऑफ अमोनिया का निकालना है, तो हमने इस लैंग्वेज की मदद से ये इक्वेशन लिखी है, बस इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो जब हम कंबशन लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली कंबशन कहाँ होगा? कंबशन रिएक्टेंट पे ही डिफाइन होता है कि कंबशन में रिएक्टेंट अमोनिया होना चाहिए, उसका 1 मोल होना चाहिए। तो ये रिएक्टेंट लिखने के काम आ रही है रिएक्शन लिखने के बाद। अब हमारा काम खत्म हो गया, इस जगह रिएक्शन लिखते ही हमारे लिए डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच कंबशन हो गई। समझ में आ गया? तो ये डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कंबशन की एंथैल्पी के लिए इसका 1 मोल होना जरूरी है, इसका रिएक्टेंट होना जरूरी है। समझ में आ गया? खत्म काम। अब निकालना क्या है मेरे लिए, मुझे कंबशन ऑफ अमोनिया निकालना है या डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है? अब मुझे निकालना है डेल्टा एच रिएक्शन, जो कि अपने आप में इसके बराबर है। समझ में आ गया? तो डेल्टा एच रिएक्शन ही निकालना है मेरे को। डेल्टा एच रिएक्शन निकालते वक्त अब भूल गया मैं कंबशन क्या है, अब डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, और दिमाग में बस इतना सा याद है कि इसकी डेल्टा एच कंबशन इस रिएक्शन के बराबर होगी। तो इसकी डेल्टा एच रिएक्शन निकालने के लिए मुझे डाटास क्या दिए? फॉर्मेशन, पक्का? तो अब मैं फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस क्या करता हूँ? रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, जितने भी प्रोडक्ट हैं और उनको उनके कॉफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई करता चला गया और वैल्यू निकाल दी, और ये डेल्टा एच रिएक्शन आ गया, और ये ही हमारे लिए इस जगह कंबशन का काम कर रहा है। हाँ हाँ, एनओ एनओ का बिल्कुल कहाँ पर, एनओ का 1 नहीं होता, मुझे उसका कॉफिशियंट 1 चाहिए जिसके ऊपर पूरी डेफिनेशन डिफाइन है। औरों के कॉफिशियंट क्या है उससे मतलब मुझे नहीं है, 1 है तो अच्छा, नहीं है तो अच्छा, तो यहां 1 होना चाहिए बस। बिल्कुल। तो अभी तक तो मुझे फॉर्मेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, अभी तक तो मेरे को किससे लेना देना है यहां पर? कंबशन से। कंबशन के लिए इसका मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? 1। अब ये एक रिएक्शन हो गई, ठीक है, और अब इसके लिए निकालना था, और दिया क्या है मेरे पास? फॉर्मेशन के दिए हुए। तो फिर मेरे को अपना कंसेप्ट याद आया कि फॉर्मेशन हम ऐसे लगा सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, कोई मतलब नहीं है ये इसके। देखो फॉर्मेशन लगाते वक्त हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है किसके क्या कॉफिशियंट है। मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखाया था तो याद रखो ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी और सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, क्या लिखाया था मैंने? कुछ भी नहीं लिखाया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 1 1 1 1 1 होने चाहिए, नहीं है इसका मतलब। जबकि फॉर्मेशन एंथैल्पी इंडिविजुअली डिफाइन करते वक्त उसका 1 मोल होना चाहिए और एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्या यहां पर मैं सी की फॉर्मेशन एंथैल्पी थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं यहां पर डेल्टा एच रिएक्शन ही बोलूंगा। और डेल्टा एच रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअली इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी मल्टीप्लाई बाय सी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय डी माइनस डिस करके हम निकाल लेंगे। तो वहां पर हमारे को ये वैल्यूज की जरूरत है, ठीक है, और ये वैल्यूज हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है। अगर वो चाहता तो डायरेक्ट ऐसे नहीं देता, वो ऐसे देता अलग अलग रिएक्शन करके। जैसे ये क्या है, ये क्या है 250 एनओ की कंबशन है, तो वो रिएक्शन ऐसे भी दे सकता था N2 प्लस O2 हाफ करके NO, तो ये डेल्टा एच अपने आप ही फॉर्मेशन बन जाती है NO की, तो ऐसे भी दे सकता था वो, हाँ या ना? वो ऐसे देता हर एक की इंडिविजुअली।
हाँ ये वाला डेल्टा एच एफ कैसे निकालेंगे, ये जो डेल्टा एच रिएक्शन है यही डेल्टा एच एफ है इसके लिए, तो वो दी हुई है इसके लिए, तो डेल्टा एच एफ ही हमारे लिए डेल्टा एच रिएक्शन है। लेकिन यहां हमारे पास इस तरह की रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एफ कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं कि डिफाइन करें अपन। डेल्टा एच एफ एनओ के लिए देगा, एनओ के लिए देगा, तो ओ टू की जीरो है, एन टू की जीरो है, तो इसके लिए डेल्टा एच एफ एनओ अपने आप में डेल्टा एच रिएक्शन ही तो है बेटा। आप खुद भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो जीरो है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है, डेल्टा एच एनओ, तो वो डेफिनेशन ही हो गई इस तरह से समझो।